सर मैंने यहाँ जो काम डिस्प्ले किया है वो बेसिकली कश्मीरी कल्चर से रिलेटेड काम है। कश्मीर का जो कल्चर है वो एज ए आर्टिस्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और वही मैंने कैनवास पे लाने की कोशिश की है। जैसा हम डेली लाइफ में जो काम होते हैं मैंने वही सब्जेक्ट चूज किए हैं, कोई स्पेशल सब्जेक्ट पे मैंने फोकस नहीं किया। रूटीन में जो हम चीज़ें, जैसे हम बेकरी पे जाते हैं, एक मेरा काम है, एक बेकरी शॉप है, और ये जो चावल कटता है खेतों में, ये उस टाइम का सीन है और ये मैंने लाइव बनाया था। एक्चुअल में क्या है, इस वर्क में जो है वो यहाँ के लोगों की जो मासूमियत है, जो अपनापन है, वही मैंने दिखाने की कोशिश की है। लोग इकट्ठा होते हैं, खेत हालांकि छोटे छोटे होते हैं लेकिन फिर भी रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रुप में मिलके वो खेत में काम करते हैं, आपस में बातचीत होती है, अपनापन है, और वो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं यहाँ की। यहाँ का जो रहन सहन है, खान पान है, जो पहनावा है, वही सारी चीज़ें मैंने कैनवास पे लाने की कोशिश की है। एक आप यहाँ देखेंगे कि पेंटिंग है मेरी, जिसमें मैंने एक शॉप का सीन है, और वो मेरे पड़ोस की एक शॉप है, वहाँ एक आंटी बैठती है। यहाँ मैंने ये भी देखा है कि महिलाएं भी जो हैं वो काम में बराबर भागीदारी निभाती हैं अपनी। बहुत सारी लेडीज आपको देखने को मिल जाएंगी, वो जैसे मछली बेचने वाली हैं या दुकानों पे काम करने वाली हैं या जो बेकरी शॉप में काम करने वाली हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है बड़ा मुझे अट्रैक्ट करती है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो बराबर है पुरुष के। यही सब है सर। इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आमिर साहब ने और इसमें काफ़ी सारे लोकल आर्टिस्ट को इन्होंने दावत दी कि अपनी एक एक दो दो पेंटिंग्स आप डिस्प्ले करें अलॉन्ग विद हिज पेंटिंग्स। तो अच्छा मौका था और काफ़ी सारा मिक्स्ड टाइप का आर्ट यहाँ देखने को मिला है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी जी। यहाँ एग्जीबिशन होने चाहिए, आर्टिस्ट को एक एनकरेजमेंट मिलती है, बहुत बढ़ावा मिले आर्ट को यहाँ। सोसाइटी किया का आईना होता है आर्ट, आर्ट जितना अच्छा होगा सोसाइटी उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है। सब आर्टिस्ट को दे शुड फॉलो देयर हार्ट, अपने दिल की बात माने, जो अच्छा लगता है वो पेंट करें और दुनिया के सामने लाएँ। बस मेरे